सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है? भ्रष्टाचार खत्म करना है। अपने को करना है कि नहीं करना है? भ्रष्टाचार खत्म करना है। लोगों ने लूट लिया गुजरात को, 27 साल इन्होंने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके पास, किसी नेता के पास चले जाओ काम लेके, कहते हैं सरकार घाटे में चल रही है, सरकार घाटे में चल रही है, सरकार घाटे में। अरे कहां गया सारा पैसा? एक एमएलए है गुजरात का, इनका चुनाव लड़ने के पहले उसकी 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल में 1000 एकड़ जमीन हो गई, 1000 एकड़ जमीन। इन सारों ने इतने बंगले बनवा लिए, इतनी जमीन खरीद ली अपने बच्चों के नाम, अपनी बीवी के नाम, अपने मां बाप के नाम, बच्चों के बच्चे अभी हुए नहीं उनके भी नाम जमीन खरीद ली इन्होंने, प्रॉपर्टी खरीद ली इन लोगों ने, इतना पैसा कमा लिया इन लोगों ने, सबने मिलकर लूट लिया गुजरात को। कहते हैं पैसा नहीं है। गुजरात में हर साल गुजरात सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए, इतने सारे पैसे होते हैं, इतने सारे पैसे। अभी भगवंत मान जी ने बताया आपको, आप लोग सुबह से शाम तक कितना टैक्स देते हो? रोटी खाते हो तो टैक्स देते हो, मोबाइल इस्तेमाल करते हो तो टैक्स देते हो, दूध पीते हो टैक्स देते हो, छाछ पीते हो टैक्स देते हो, दही खाते हो टैक्स देते हो, माचिस इस्तेमाल करते हो टैक्स देते हो, चाय पत्ती पे टैक्स, हर चीज पे जनता टैक्स देती है। अरबों खरबों 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 इतना रुपया इन्होंने इकट्ठा कर रखा है, हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया गुजरात सरकार खर्च करती है। कहां खर्च करती है जी? 27 साल में आपके गांव में सड़क बनी? एक भी सड़क बनी आपने देखी? सड़क बनती? कोई स्कूल बनाया इन्होंने? कोई अस्पताल बनाया इन्होंने? कोई कॉलेज बनाया इन्होंने? कुछ काम करा इन्होंने? कुछ भी नहीं करा। फिर पैसा कहां गया? स्विस बैंकों में चला गया, प्रॉपर्टी खरीद ली, जमीन खरीद ली, सारा पैसा खा गए ये लोग। भ्रष्टाचार बंद करेंगे, हमारी सरकार बनेगी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे गुजरात को। गुजरात का एक एक पैसा, गुजरात सरकार का एक एक पैसा जनता पे खर्च होगा। हमारा कोई मंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा, हमारा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा, हमारा कोई एमएलए भ्रष्टाचार नहीं करेगा, और अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो जेल जाएगा। हमारा अपना भी भ्रष्टाचार करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, हमारा अपना भी। भगवंत मान साहब ने कमाल कर दिया, अभी पंजाब के अंदर नई नई सरकार बनी, मान साहब को एक दिन पता चला कि उनका हेल्थ मिनिस्टर कुछ गड़बड़ कर रहा है। अभी विपक्ष को नहीं पता था, अभी मीडिया को भी नहीं पता था, किसी ने आके मान साहब के कान में बोला कि आपका हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। इन्होंने पता कराया, पता चला हां ये गड़बड़ कर रहा है। पता है इन्होंने क्या किया? अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया। कभी सुना है? 75 साल आजादी के 75 साल में पहली बार ऐसे हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया। कट्टर ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार लोग हैं हम, कट्टर ईमानदार सरकार है हमारी। एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, जो भ्रष्टाचार करेगा जेल जाएगा। और इन नेताओं ने गुजरात के अंदर जितने काले धंधे कर रखे हैं, जितने इतने काले धंधे चल रहे हैं, सारे काले धंधे बंद करेंगे। 2015 के बाद से आज तक जितने पेपर फूटे, ये जो पेपर फूटते हैं ये अपने आप नहीं फूटते, कोई मंत्री कराता है, कोई बड़ा नेता कराता है, आज तक कोई जेल नहीं गया। 2015 के बाद से आज तक जितने पेपर फूटे सबकी जांच दोबारा कराएंगे, और जिन जिन लोगों ने पेपर फोड़े उनको 10-10 साल तक जेल की सजा दी जाएगी। आप सरकारी विभाग में काम कराने जाते हो,
आपको पैसे देने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? चाहे जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, बिजली का कनेक्शन लेना है, पानी का कनेक्शन लेना है, राशन कार्ड, कुछ भी काम कराना है, पैसे देने पड़ते हैं। 1 दिसंबर के बाद से आपके सारे काम बिना पैसे के होंगे, बिना रिश्वत के होंगे, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो यशुदान भाई ने बताया, आपको लग रहा होगा वैसे ही फेंक रहा है यशुदान, झूठ बोल रहा है। दिल्ली में हमने एक व्यवस्था कर दी, अब एक एक करके हम सरकारी दफ्तर पर ताले लगाते जा रहे हैं, बंद करते जा रहे हैं। अब आपको अपना काम कराने के लिए सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, हमने ऐसी व्यवस्था कर दी, आपको कोई भी काम कराना है आप फोन करो, आप बोलो मेरे को यह काम कराना है, राशन कार्ड बनवाना है, बिजली कनेक्शन लेना है, फलाना ढिमका, सरकारी अफसर आपके घर आके आपका काम करके जाता है, आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। गुजरात में भी यह व्यवस्था करेंगे, आपके घर आके आपका काम करेंगे, सरकारी ऑफिसर आपके घर आएगा, आपको किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, साफ सुथरा प्रशासन देंगे दोस्तों।